नमस्ते। देखिए दोस्तों, क्या है जमीन का घोल किस तरीके से मारते हैं, जमीन का जो घोल है कैसे मारते हैं, किस तरीके से मारते हैं, किस तरीके से करना है, फेंसिंग के तरह किस तरह से पूरा फेंसिंग करना है जमीन में, जैसे घोल मारेंगे घोल किस तरीके से मारना, कैसे मारते हैं, किस तरीके से मारते हैं, पूरा डिटेल्स बताने आइए हम जानते हैं। मतलब जो मिस्त्री घोल मारते हैं जमीन में, घोल क्या करता है, बहुत सारा मिस्त्री मारने के लिए नहीं आता, वो घोल जो है जमीन में नहीं मारने नहीं आता, क्या कर देता है, कहीं गड्ढा कर देता, कहीं जो फेंसिंग नहीं करता ऐसे छोड़ देता, घोल गिरा रहता, इसलिए फेंसिंग नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों मेरा जो काम है ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग पूरा डिटेल सीख गए, किस तरह से ढड़ाई करना है, ढड़ाई के बाद क्या करना है, उसके बाद घोल किस तरीके से मारना है, फेंसिंग कैसे करना है, सब कुछ हम डिटेल से पता नहीं पा रहा है। और घोल मारने से पहले क्या क्या सामान लगेगा सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, इस तरीके से आपको करना है। देखिए जो क्या होता है, जो नया मिस्त्री है उसको क्या होता है, घोल मारने नहीं आता, उसको कैसे घोल मारते हैं किस तरह से समझ में नहीं आते किस तरीके से घोल मारते हैं, तो आइए हम बताते हैं किस तरीके से घोल मारते हैं। यह वीडियो जो लास्ट तक देखिए ताकि अंत तक वीडियो जो देखिए ताकि पूरा डिटेल समझ में आए, ये घोल मारने का काम था जो डिटेल से पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। चलिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, अंत तक बने रहिए, ताकि जो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि पूरा काम सीखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आया वीडियो देख के भी काम नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके फिर बता सकते हैं, हम वीडियो दोबारा डाल देंगे, नहीं तो कमेंट करके फिर से हम बता देंगे। लेकिन नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करना, ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, जमीन में जो ढलाई होगा उसके पहले क्या करना, जो कोना में हम लोग ढलाई कर, कोना में टिपा ले लिए और इस तरह से बीच में टिपा ले रहे धागा लेके, देखिए धागा एक सूत नीचे रहना, धागा एक सूत ऊपर रहना चाहिए और मसला जो एक सूत नीचे रहना चाहिए, देखिए इस तरह से आपको टिपा लेना है। ज़मीन में जो ढलाई करेंगे उसके बाद पाना मारेंगे, तो इसके बाद फेंसिंग किस तरह से करें, तो पहले पूरा कोना कोना में 2 इंच का टिपा ले लिए हैं, अब पूरा बीच में ले रहे, इस तरह आपको बीच में लेना है। तो आप लोग बहुत नॉलेजदार है ये सीखने के लिए, हम जिस तरह से दिखा देते हैं उस तरह से कोशिश कीजिए, आपको करना है। देखिए साइड में धागा पकड़े, उधार की साइड में धागा पकड़े थे, अब बीच में ले लें टिपा। अब क्या करना है, चारों कोना में टिपा हो गया, बीच में भी टिपा, जितना तक फांटी आएगा उतना तक टिपा लेना है। अब क्या करना, साइड में भर देना है मसला, जो टिपा में साइड में टिपा ले लेना, और फिर से मतलब धागा लेके नहीं फांटी चला के, देखिए तरह से लेना है, इस तरह से फंटी चला के टिपा ले लेना, एक तरफ इधर भी एक तरफ ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, बीच में जो खाली जगह दिख रहा है उसको फंटी से ही फंटी, इसमें टिपा उस टिपा से लेवल को भरना होगा, मतलब फंटी मारना होगा। देखिए हम जो इस तरह से दिखा दे रहे उस तरह से आपको दिखिए, पूरा नॉलेजदार है आप लोग, सीखने के लिए बहुत जल्दी सीखने वाला, जैसे मेरा कमेंट आ रहा सीखने वाला एकदम बहुत जल्दी। देखिए इधर भी एक तरफ और फंटी लगा देते हैं इस तरफ, देखिए उधर भी टिपा लिया था बीच में, इधर भी साइड में लिया, उस हिसाब से फंटी मार दे रहे, इस तरह से फंटी मार रहा है ताकि हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत है। देखिए एक तरफ पूरा भर दें, पूरा एक तरफ फंटी मार दें, इधर बाकी है, इधर पूरा फंटी मार के भर दें, इधर बाकी है, इस तरफ बाकी है, इस तरफ भी भरते हैं, देखिए इस तरफ भी कैसे भरते हैं। आरी जो गड्ढा दिख रहा है तो उसमें प्लास्टर वाला मसाला लेके उसा करना है, वो भी दिखा देते हैं इस वीडियो में। देखिए इस तरह से, और इधर खाली जगह दिखा दिए, वो वाला मसाला लेके भरे हैं, ताकि जो मसाला लीजिएगा तो ज़्यादा गीला नहीं चाहिए और ज़्यादा सूखा नहीं चाहिए, कंक्रीट जो है मतलब मिक्सिंग बढ़िया से होना चाहिए और मीडियम रहना चाहिए, ज़्यादा गीला मार दीजिएगा तो जो हम लोग जो पन्ना चढ़ाएंगे उसमें जो गीला रहेगा उसमें सूखेगा नहीं, नहीं सूखेगा तो हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए जो ढलाई कीजिएगा उसी समय मसला हिसाब से देना हो, जिस हिसाब से मसला पानी खींचेगा उस हिसाब से मसला देना, मतलब सूखने वाला है, कि बहुत सारा मिस्त्री क्या होता है पूरा गीला लगा देते और समझ में नहीं आता कैसे पांटी मारे, कैसे घोला चलाएँ, कैसे घोल फिंसिंग करें, उसमें समझ में नहीं आता, इसलिए दोस्तों हम ये वीडियो दिखा देते हैं ताकि गीला नहीं लेना चाहिए। अब देखिए इधर प्लास्टर मसाला दे रहे हैं, देखिए प्लास्टर वाला मसाला मिला लिए, अब क्या करना, इधर से फिंसिंग करा, देखिए रुसा करा,
प्लस्तर मसला देके रुसा करना। देखिए इस तरह से प्लस्तर मसला देके रुसा करना, ताप पन्ना चढ़ेगा मतलब ताप घोल चढ़ेगा, उसके बाद पन्ना मरना है। देखिए और नहीं ये मतलब मसला देके नहीं रुसा कीजिएगा तो जो फिनिशिंग नहीं आएगा बढ़िया से, फिनिशिंग नहीं आएगा, अप एंड डाउन रहेगा। जो जो मिस्त्री देखेगा, जो मालिक देखेगा, बोरा कुछ मतलब वो जो काम है वो सही नहीं किया है, अपने गड्ढा उड्ढा कर दें। इसलिए दोस्तों आप पहले आपको करना है सही से, इस तरह से पूरा फिनिशिंग कर दें मतलब रुसा मार दें प्लस्तर मसला से। अब क्या करना, झाड़ू मार देना, पूरा झाड़ू मार दें इस तरह। अब इधर करें, आप देखिए घोल कैसे चढ़ाते हैं मतलब पन्ना कैसे चढ़ाते हैं। पन्ना चढ़ाने के लिए आपको मोटा मोटा घोल लेना है, पन्ना है पूरा मोटा मोटा लेना है, पूरा मोटा जैसे आपको अच्छा लगे, आप समझ में आ जाए किस तरह से लेना है उस तरह से लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है, पतला चाहिए नहीं तो मोटा जैसा। अब देखिए इस तरह से, देखिए प्लस्तर मसला से कैसे भर रहे हैं, ढलाई हो चुका है पहले, अब प्लस्तर मसला से किस तरह से भर रहा है। प्लस्तर मसला लीजिएगा तो फंटी मारना हो नहीं तो गड्ढा हो जाएगा, रुस्सा से मरिए तो गड्ढा हो रहा। अब क्या करना है, देखिए घोल चढ़ा रहे, मोटा घोल चढ़ा रहे किस तरह से, इस तरह से आपको घोल चढ़ना घोल चढ़ाना। अभी सिर्फ चढ़ा रहे हैं, फिर फिनिशिंग बाद में करेंगे, 30 मिनट बाद फिनिशिंग करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं, लिख के भी बता देते हैं 30 मिनट बाद। अब देखिए अभी एक बार चढ़ा के छोड़ देते हैं, फिर 30 मिनट बाद इसमें और अंदर घुसेंगे, हम लोग घुसेंगे, देखिए किस तरह से घुसते हैं अंदर और किस तरह से फिनिशिंग कर एकदम मजबूती के जैसा, और फिनिशिंग एक जैसा दिखना चाहिए। इस तरह से आपको पूरा ज़मीन में घोल चढ़ा दिया, पूरा रूम में एकदम घर घर चढ़ा देना है, कहीं पे खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए वो थोड़ा सा छोटा सा गिट्टी निकल गया, ऐसे फेंक दिए। अब देखिए इस तरह से पूरा घोल चढ़ा देना है, पहले सिर्फ फिनिशिंग करना नहीं चढ़ा देना है। देखिए इस तरफ से चढ़ा, इस तरह से चढ़ा दे रहे हैं, ऐसे आपको पूरा जो ज़मीन में है घोल चढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से चढ़ा रहे, ताकि जो बिलाती करनी पकड़े के इस तरह से वो भी ध्यान दीजिए किस तरह से आपको पकड़ना है। प्लस्तर कीजिएगा तो अभी मतलब वो बिलाती करनी जब पकड़िएगा घोल मारने समय बिलाती करनी लेना है, और बिलाती करनी किस हिसाब से पकड़े वो ध्यान दीजिए। बहुत सारा क्या होता है, जो बिलाती करनी पकड़ते समय इधर उधर चला देते वो घोला लेके ज़मीन का मसाला लेके छूट जाता है, छोड़ जाता है। इसलिए दोस्तों चलाने का एक तरीका है, देखिए दिखा देते हैं। इस तरह से आपको पकड़िए, पूरा टाइट करके नहीं पकड़ना है और पूरा दाब के नहीं चलाना है, एकदम सोलो चलाना है। देखिए एकदम हल्का से चलाना है, पूरा एकदम ज़मीन में पूरा दाब के नहीं चलाना है, एकदम हल्का सा चलाना है मतलब मोटा रहने देना है। पूरा जो घोल है वो सब पूरा पतला से लगाना नहीं है, एकदम मोटा मोटा लगाना है। देखिए हम जैसे लगा रहे इस हिसाब से लगाना है, मोटा लगाने से क्या होगा बाद में फिनिशिंग करिएगा तो बहुत मस्त लगेगा, और नहीं तो इतना पतला चढ़ाएगा तो बालू वालू नज़र आएगा। इस तरह से मोटा घोल आपको चढ़ा देना है, पूरा ज़मीन में चढ़ा देना है हम, ताकि पूरा ज़मीन का वीडियो दिखा देते ताकि आप लोग समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारा मिस्त्री क्या होता है जो ये सब दिखा देता है, जितना वीडियो है काट काट के दिखा देता है, फिर क्या करता है देखिए पूरा ज़मीन में घोला मारे। अब क्या करना, फिनिशिंग 30 सेकंड बाद फिनिशिंग करना है। देखिए 30 सेकंड बाद हम लोग घोल इसमें ज़मीन में घुसे हैं, देखिए 30 सेकंड छोड़ दिए हैं, तब पन्ना चढ़ा के बाद 30 सेकंड छोड़ देना है। 30 सेकंड छोड़ने के बाद जो बोरा लेना है, बढ़िया बढ़िया बोरा लेना है, साफ किया हुआ बोरा, अब इसमें बोरा लगा देना है और घुसना है, ताकि इससे घुस जाइएगा तो क्या होगा, जो घोल मारे उसमें पाँव से लटक के उठ जाएगा। इसलिए दोस्तों इस बार ध्यान से मारना है, लेकिन देखिए हम जैसे बिलाती करनी घुमा रहे हैं इस तरह से घुमाना है, देखिए किस तरह से घुमा रहे हैं, पूरा फिनिशिंग एक बार कर दे रहे हैं, एकदम पूरा फिनिशिंग हो जा रहा है। देखिए गड्ढा गुड्ढा कहीं पे है तो पूरा फिनिशिंग कर दे, देखिए, और जहाँ ज़्यादा गड्ढा रहेगा उसमें थोड़ा सा घोल लेना है, फिर से मार देना है, मतलब कहीं कहीं अगर थोड़ा सा दागी हो गया उसमें थोड़ा सा घोल लेना है फिर मार देना। देखिए इस तरह से पूरा फिनिशिंग कर रहे, देखिए उधर भी फिनिशिंग कर रहा और हम इधर से फिनिशिंग कर रहे, देखिए इतना बढ़िया से फिनिशिंग कर रहे, इस तरह से फिनिशिंग कर रहा। 30
मिनट बाद क्या होगा, सूख गया है, हल्का सा सूख गया और फेंसिंग करने में मजबूती आएगा। और देखिए दोस्तों, अगर जल्दी सूख जाए तो जल्दी घुसना होगा इसमें, अगर लेट में सूखेगा फिर लेट में घुसना होगा, ताकि मसला बढ़िया से दीजिएगा तो 30 मिनट बाद ही सूखेगा। अब क्या करना, एकदम फेंसिंग इस तरह से फेंसिंग करना, पूरा वीडियो हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग भी फेंसिंग करना सीखिए। देखिए हम दिखा देते किस तरह से, देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, देखिए कहीं कहीं उसमें सीलिंग में लटका हुआ उसमें लगा देते ताकि बढ़िया बढ़िया हो जाए। देखिए कितना फेंसिंग नज़र आ रहा है, देखिए इस तरह से फेंसिंग करना ताकि एकदम बहुत दिखने में लूप लगेगा, दिखने में लायक ही लगेगा। देखिए अभी बोरा लगा हुआ उसमें भी दागी हो गया, उसको भी किस तरह से फेंसिंग कर दे रखे, मतलब एक तरफ से फेंसिंग करके आना होगा एकदम बढ़िया होगा। देखिए यहाँ बोरा लगा हुआ है उसमें भी फेंसिंग कैसे करें, देखिए हो गया फेंसिंग, एकदम आसान का काम है। आप लोग बहुत नज़दार हो दोस्तों, क्योंकि हम जैसे सिखा दे रहे उस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग पूरा जल्दी सीखने वाला, टोटल सीखने वाला, जो मतलब समझ में नहीं आए किसी को तो हम बता के दिखा देते ताकि पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत सारा मिस्त्री क्या होता है, म्यूजिक डाल देता है उसमें समझ में नहीं आता, तो मेरा वीडियो कहीं पे म्यूजिक नहीं है, एकदम पूरा बहस लगा के बता दें, क्योंकि आप लोग समझ सकिएगा, जल्दी से समझ सीखिएगा। देखिए इस तरह से पूरा मार देना घोला, मतलब बहुत सारा जगह में क्या होता है ज़मीन में पन्ना मार देता है, इसलिए ध्यान से देखिए, इसमें इस काम का बहुत ज़रूरी है। इस काम में फेंसिंग करने बहुत सारे मिस्त्री को नहीं आता है, जैसे तैसे मार देता है छोड़ देता है, लेकिन जो काम खराबी करते छोड़ देता, उस तरह से नहीं करना दोस्तों। अगर काम खराबी हो जाएगा तो आपका जो आपका बदनामी हो जाएगा, ताकि काम मिलने में दिक्कत होगा, इसलिए काम बहुत बढ़िया कीजिएगा मिस्त्री लोग, तो क्या होगा काम मिल आप बहुत सारा काम मिल सकते, काम कर नहीं पाएगा इतना सारा काम मिलेगा, इसलिए ध्यान से ये सब काम बहुत फेंसिंग वाला काम है, ये सब फेंसिंग करना। फेंसिंग करने से क्या होगा, बहुत सारा आदमी आएगा इसका घर तो देखेगा कहाँ कहाँ मिस्त्री किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, हम भी काम कराएंगे तो हम भी करेंगे, तो आप लोगों को फिर बुलाएगा, और नहीं तो ख़राब कर दीजिएगा, यहाँ वहाँ गड्ढा गुड्ढा कर दीजिएगा, तो क्या होगा जो बहुत सारा मतलब बहुत सारा आदमी आएगा, पूरा कौन आदमी किया इसका घर, तो मालिक ने बोलेगा वो मिस्त्री किया, वो अच्छा नहीं है, वो मेरा रूम में ख़राब कर दिया, पानी रुक रहा वहाँ पर जमा हो जा रहा, फिर फेंसिंग नहीं किया, जैसे तैसे मार के छोड़ दिया, ऐसा करना नहीं। देखिए इस तरह से फेंसिंग करना, देखिए किस तरह से दिख रहा है, ये वाला घोला चढ़ा हुआ है, इसको फेंसिंग कैसे करते हैं, देखिए देखिए एक ही बार में कितना फेंसिंग आ रहा है, देखिए देखिए इस तरह से फेंसिंग करना, मतलब सूख चुका है इसलिए बहुत बढ़िया फेंसिंग आ रहा, देखिए अभी आगे देखिए कितना दागी है, अब कितना फेंसिंग आ रहा, देखिए बढ़िया से फेंसिंग करना है। अगर कहीं पे ज़्यादा गीला है तो वहाँ पे छोड़ देना है, बाद में भी फेंसिंग कर सकते हैं, बाद में मतलब थोड़ा जिधर सूख गया उस तरफ कीजिए, फिर भी बाद में इस तरफ करना है, 10 मिनट बाद करना है। देखिए इस तरह से पूरा एकदम घोल को फेंसिंग करना, हम जैसे कर दे रहे हैं उस तरह से आप कीजिए, बहुत मस्त दिखेगा। पहले जो स्टार्टिंग में पहले दिन हम लोग नेक्स्ट दिन में घोल चढ़ा लिए, आगे दिन मैंने घोल चढ़ा लिया, क्योंकि वो वाला दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें, इधर भी मारेंगे इधर भी मारेंगे, तो हम लोग जो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जब भी ज़मीन में घोल मारिएगा पहले दिन स्कर्टिंग मार लेना है, उसके आगे दिन क्योंकि हम लोग आगे दिन में स्कर्टिंग मार लें, पूरा स्कर्टिंग आगे दिन में मार लें, जहाँ जहाँ घोल मारना ज़मीन का आगे दिन में स्कर्टिंग मार लें, फिर ज़मीन का घोल मार, 21 दिन में 2 जमीन का घोल मारेंगे हम लोग, तो ढलाई